हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोबाइल फोन्स का जो लेंसेस अवेलेबल होते हैं और फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे आपको लगता होगा कि ये लेंसेस और फिल्टर्स सब सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स हैं जो आपका फ़ोन के कैमरा के सामने में लगा सकते हैं और फ़ोटो खींच सकते हैं। जी हाँ, वो सही है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। लेंसेस अलग होते हैं, फिल्टर्स अलग होते हैं। लेंसेज जो होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, मैक्रो लेंस होते हैं, जूम लेंस होते हैं, वाइड एंगल लेंस होते हैं, फिसाई लेंस होते हैं, तो ये सब लेंसेस हैं। और फिल्टर्स जो होते हैं, एंटी फिल्टर है, सीपीएल फिल्टर है, आपका स्टार फिल्टर है, ऐसे बहुत डिफरेंट 4-5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर्स हैं। कैलिडोस्कोपिक फिल्टर है एक। तो ये सब जो फिल्टर्स हैं, इनका और लेंसेज के बीच में क्या डिफरेंस है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेंस क्या करता है? आपका जो लाइट रेज आता है लेंसेस के अंदर, वो उनका डायरेक्शन चेंज कर देता है। मतलब क्या है? आपने फिजिक्स अगर पढ़े हैं 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में, तो उसमें आप देखे होंगे लेंस क्या होता है। लेंस एक होता है एक कन्वेक्स टाइप का या फिर कॉन्केव टाइप का एक होता है, ऐसा टाइप का, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका जो लाइन ऑफ रेज आते हैं उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो चेंज होके क्या होता है, उसमें एक टर्म आता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, आपका जो नॉर्मल फोटो खींचता है कैमरा, वो उसको आइदर ज़्यादा मैग्नीफाइड कर देते हैं या फिर कम मैग्नीफाइड कर देते हैं। तो लेंसेस का ये आप कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी है कि आपका जो कैमरा है फ़ोन का, उसको आइदर वो ज़्यादा बना देते हैं मैग्नीफिकेशन उसका, या फिर कम बना देते हैं। ज़्यादा कौन कौन बनाते हैं, जैसे कि मैक्रो लेंस हो गया, आपका कैपेबिलिटी है फ़ोन का 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से फोकस करने का। अगर मैक्रो लेंस लगा देते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं क्लोज, और बहुत डिटेल्स मैक्रो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का। तो इससे क्या हुआ, आपका जो मैग्नीफिकेशन है बढ़ गया आपका फ़ोन का, ठीक है। तो ये मैग्नीफाई कर दिया आप। जूम लेंस क्या करता है, जूम लेंस भी सेम काम करता है। जैसे कि आपका कितना दूर में एक चिड़िया बैठा हुआ है, तो उसको अगर आपको शूट करना है तो जूम लेंस लगा लीजिए, और जूम लेंस लगाने के बाद आपको क्या होता है, चिड़िया पास में दिखाई देता है। तो ये था अपना जूम लेंस और मैक्रो लेंस का कमाल, ठीक है। तो ये दोनों क्या किए, मैग्नीफिकेशन आपका बढ़ा दिए। मैग्नीफिकेशन घटाता कौन है? मैग्नीफिकेशन घटाने वाला दो लेंसेस है, एक है आपका वाइड एंगल लेंस, एक है आपका फिसाई लेंस। उसका आपने अगर स्पेसिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है कि 0.4x, 0.6x, 0.63x, 0.2x। उसका मतलब क्या होता है कि ये 1x से लेस है। 1x मतलब क्या, आपका नॉर्मल मैग्नीफिकेशन। अगर उससे कम हुआ तो आपका मैग्नीफिकेशन घट गया, अगर 1x से ज़्यादा हुआ तो आपका मैग्नीफिकेशन बढ़ गया, ठीक है। जैसे कि आप 2x जूम कर लेते हैं आपका कैमरा में, और आपका कैमरा जूम कर लेता है, ठीक है, उससे क्या हो गया, आपका मैग्नीफिकेशन बढ़ गया। लेकिन आप अगर वाइड एंगल लेंस यूज करते हैं आपका कैमरा का, अगर इनबिल्ट वाइड एंगल कैमरा होता है, तो उसमें देखिए आपका लिखा होगा 0.6x या 0.8x, ऐसा कुछ लिखा होगा एक नंबर जो कि 1x से लेस है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका मैग्नीफिकेशन घट जाता है। उससे क्या होता है, आपका जो फील्ड ऑफ व्यू आप मुझे इतने स्पेस में देख पा रहे हैं, अगर वाइड एंगल कैमरा लगा दूं तो आप ज़्यादा पोर्शन मेरा, सही बोल रहा हूँ ना, ओके। तो जो वाइड एंगल लेंस लगाने के बाद आपका बहुत कैमरा ज़्यादा देख पाता है, मतलब वाइड बन जाता है आपका अभी जितना फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। तो ये है आपका वाइड एंगल लेंस या फिर फिसाई लेंस का कमर। फिसाई लेंस क्या करता है, वाइड एंगल से भी और ज़्यादा वाइड कर लेता है आपका फील्ड ऑफ व्यू को, ठीक है। तो ये दोनों लेंस आप क्या क्या करते हैं, आपका मैग्नीफिकेशन को घटा देते हैं। तो ये हो गया आपका लेंसेस। अब फिल्टर्स क्या करते हैं, फिल्टर्स क्या करते हैं, ये बस कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, आपका मैग्नीफिकेशन का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। जो आपका नॉर्मल फ़ोन देखता है, जिसका जितना फील्ड ऑफ व्यू रहता है सेम रहता है, जितना फोकस डिस्टेंस रहता है सेम रहता है। तो आपका चेंज क्या होता है, चेंज ये होता है इफेक्ट देता है,
जैसे आप इंस्टाग्राम में फिल्टर्स यूज करते हैं, क्या करता है वो, कलर चेंज कर देता है बस, इमेज सेम का सेम रहता है, फोटो आता है, फोटो सेम आता है, सेम 1x मैग्निफिकेशन का ही आता है, लेकिन आपका इफेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे आप सीपीएल फिल्टर लगाते हैं, सीपीएल फिल्टर में क्या होता है, आपका जो रिफ्लेक्शन रहता है वाटर के सरफेस में, वो काट सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं रिफ्लेक्शन को, सेचुरेशन ऑफ ग्रास, स्काई का जो ब्लू स्काई उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं सीपीएल फिल्टर से। एक होता है एनडी फिल्टर, एनडी फिल्टर क्या करता है, वो आपका बस चश्मे का जैसा काम करता है, नहीं ये वाला चश्मा नहीं, आपका ब्लैक कलर का जो चश्मा होता है, क्या करता है वो, सन लाइट जो आता है आपका आँख में उसको रिड्यूस कर लेता है, बस एनडी फिल्टर का काम वही है, वो जितना लाइट आपका कैमरा के अंदर आता है वो लाइट को काट लेता है, मतलब कम कर देता है। तो उससे क्या होता है, आपको अपना जो शटर स्पीड उसको घटाना पड़ता है। अगर आप ऐसा फोटो लेना चाहते हैं जिसमें आपका मिल्की टाइप का वाटर फ्लो हो रहा है तो मिल्की वाटर बन जाता है, या फिर एक गाड़ी जा रहा है तो लाइट ट्रेल बन जाता है, तो ऐसा ऐसा आपका फोटो ले सकते हैं एनडी फिल्टर लगा के। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका मैग्निफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन इमेज जो आपका रिसीव हो रहा है कैमरा में उसमें कुछ इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोपिक फिल्टर में क्या होता है, आपको मेरा फेस छः टाइप का दिखेगा, या फिर अगर 3 कैलिडोस्कोप है तो मेरा फेस 3 फेसेस दिखेगा। ठीक है, तो अभी आपको शायद पता चल गया होगा कि लेंसेस और फिल्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, मैक्रो लेंस, टेली लेंस, वाइड एंगल लेंस, फिशाई लेंस। ठीक है, तो ये 4 मोस्टली यूज होते हैं। नेक्स्ट और एक लेंस है एनामॉर्फिक लेंस। ठीक है, एनामॉर्फिक लेंस क्या है, अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। फिल्टर्स में क्या आ जाते हैं, सीपीएल फिल्टर, एनडी फिल्टर, और क्या रहते हैं, कैलिडोस्कोपिक फिल्टर, अदर फिल्टर्स भी होते हैं जो ग्रीन फिल्टर होते हैं, ब्लू फिल्टर, येलो फिल्टर, वो क्या करते हैं, बस कलर इफेक्ट देते हैं आपका कैमरा को, अगर कैमरा के सामने येलो फिल्टर लगा देंगे तो सब कुछ येलो येलो दिखेगा। वो किस टाइम में आप यूज कर सकते हैं, जब आप कुछ सनसेट टाइम में अगर शूट कर रहे हैं या फिर सनराइज के टाइम में अगर शूट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका ये येलो फिल्टर आप लगा देंगे तो सब कुछ येलो दिखेगा, येलो इस टाइप का दिखेगा। वैसे आप ये सब एडिट भी कर सकते हैं पोस्ट में, लेकिन बेस्ट है आपको, अगर एडिट नहीं करना है, आपको रॉ फोटो शूट करना है, तो उससे क्या होता है, आपका एडिटिंग में आपका लॉस हो जाता है। कितने टाइप्स का फिल्टर है, आप अगर जाएंगे एपिक्सल के वेबसाइट में, मैं नीचे में लिंक दे देता हूँ आपको, सारा फिल्टर्स आप देख सकते हैं कितने टाइप्स का फिल्टर है आपका फोन्स के लिए। तो ये सब है आपका फ़ोन का लेंस और फिल्टर का डिफरेंस। तो अगर अब भी आपका कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, होपफुली आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।